हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा फोर्थ वीडियो है 3D मैक्स का। ठीक है, इसमें हम आज जो सीखने वाले हैं वो है वाल बनाना, ठीक है, और रेलिंग बनाना और उसमें पेड़ ऐड करना, ठीक है, ट्रीज ऐड करना। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे ये कॉमन पैनल बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्रीमिटिव्स है उस पर क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे AEC एक्सटेंडेड में। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आएगा वाल, फॉयलेज और रेलिंग। ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं वाल। ठीक है, इसको हम 2D पे जिधर भी बनाएंगे वो ऑटोमेटिक 3D पे बनता जाएगा। आपको हम दिखाते हैं। जिस तरह भी इस वाल को हम बना लें ये 3D में उसी तरह से बनता जाएगा। ठीक है, ये देखिए वेल्ड पॉइंट, यहाँ पे ये हो गया वेल्ड। अब इसको हम 3D में अगर देखते हैं, ये मतलब पर्सपेक्टिव व्यू में अगर इसे देखते हैं तो ये 3D में कन्वर्ट हो गया होगा। इसको थोड़ा सा छोटा हम कर लेते हैं और आप देख सकते हैं ये पर्सपेक्टिव व्यू में 3D में कन्वर्ट हो गया है। इसको अगर हम घुमा के देखें तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अब एक तरीका और होता है इस वाल को बनाने का, वो बनाते हैं। ठीक है, इसमें ये तो हमने डायरेक्ट बना लिया, अगर हम 2D ड्राइंग से इसको बनाना चाहें तो ये जो क्लिक करना है शेप्स में, ठीक है, और यहाँ से ले लेना है एक रेक्टेंगल। हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक, बस उसके बाद हमको जाना है फिर से इस व्यू में और इसके बाद हमको जाना है इसको सिलेक्ट कर लेना है अपने 3D वाले प्लान को। ठीक है, और उसके बाद हम जाएंगे वाल के ऑप्शन में और यहाँ पे एक होता है कीबोर्ड एंट्री। ठीक है, यहाँ से हम पिक स्प्लाइस पे जैसे ही क्लिक करके और स्प्लाइस को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वाल बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये वाल बन गया है, मतलब 2D ड्राइंग बनाने के बाद आप ऑटोमेटिक वाल बना सकते हैं और इसकी हाइट भी दे सकते हैं। इसकी हाइट हम देने के लिए बताते हैं, मॉडिफाई ऑप्शन में आप जाएंगे और मॉडिफाई ऑप्शन में जाने के बाद आप इसकी हाइट भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये जो हमारी स्प्लाइस थी इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इसकी हाइट भी दे लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस पे हमने क्लिक करके वाल वाले सेक्शन में जब गए तो वहाँ पे दिया है पैरामीटर्स। विड्थ जो दिया है वाल की 6 इंची, हम इसको 9 इंची कर देते हैं और हाइट 3 मीटर है, हाइट 3 फीट है, इसको हम 10 फीट कर देते हैं। ठीक है, और इंटर 10 फीट करके हमने इंटर कर दिया। ठीक है, अब ये जो देखिए वाल बन रही है वो बन रही है 9 इंची की और 10 फीट हाइट की। तो यहाँ से इसका पैरामीटर चेंज करके भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम कीबोर्ड एंट्री से भी ये सब काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले वाले को, इसको किया डिलीट। अब जो हम वाल बनाएंगे वो जो पैरामीटर हमने दिया है उसी पैरामीटर की वाल बनेगी। ठीक है, तो ये रहा वाल, अब इसको हम करते हैं डिलीट। अभी तो हम नॉर्मली सीख रहे हैं, इसके बाद अच्छे से बनाएंगे। अब ये है रेलिंग, ठीक है, रेलिंग हमने बना दी ये। अब रेलिंग के पैरामीटर में अगर हमको चेंजिंग करनी है तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ दे देते हैं, लेंथ दे देते हैं 10 फीट। ठीक है, 10 फीट, ठीक, लेंथ 10 फीट हो गई। इसके बाद इसका जो प्रोफाइल है, टॉप रेल का ये प्रोफाइल दिया हुआ है, नीचे लोअर रेल का प्रोफाइल दिया हुआ है, इसको थोड़ा हम कर लेते हैं बड़ा। ठीक है,
बड़ा करने के बाद टॉप रेल में हम जाके डेप्थ इसकी बढ़ा दिए, 2 इंची कर दिए। ठीक, इसके बाद विड्थ भी 2 इंची कर दिया हमने। देखिए विड्थ भी बढ़ गई। इसके बाद इसकी जो हाइट है, इसको अगर हम 3 फीट कर दें तो हाइट 3 फीट हो जाएगी, 6 फीट कर दें तो 6 फीट हो जाएगी। ठीक है, ये सब तो हो गया। इसके बाद और नीचे चलते हैं, लोअर रेल में देखते हैं क्या है। लोअर रेल में भी वही है, डेप्थ विड्थ दी हुई है, इसको भी हम 2 इंची कर लेते हैं, विड्थ भी 2 इंची कर देते हैं। तो यहाँ से लेंथ ब्रेथ इसका हो गया। अब इसके बाद आती है पोस्ट की, पोस्ट में क्या दिया है वो आप देख सकते हैं। पोस्ट में भी वही सब है, डेप्थ है, एक्सटेंशन कितना होना चाहिए, ये कितना ऊपर जाएगा हमारा, ये जो पोस्ट है, ये वाला पोस्ट जो है ये कितना एक्सटेंड होना चाहिए, तो वो यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं। ये देखिए बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं। और ब्रेथ भी यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, इसका घटा भी सकते हैं। ठीक है, ये तो एक्सटेंशन हो रहा है, और इसके बाद ये डेप्थ है, डेप्थ को भी हम बढ़ा गढ़ा सकते हैं, यहीं से हम अपनी रेलिंग को बना लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम रेलिंग बनाते हैं। ठीक, इसके बाद आता है फ्रेंसिंग। फ्रेंसिंग में क्या होता है कि इसको हम सॉलिड कर सकते हैं, ठीक है, पैकेट कर सकते हैं, तो यहाँ से इस फ्रेंसिंग को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रेलिंग बनता है। अब जैसे रेल है, उसमें भी कुछ ऑप्शन दिया है, यहाँ पे लोअर रेल स्पेसिंग्स, इस पे जाके क्लिक करेंगे तो ये काउंट 1 दिया है, इसको हम 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। स्पेसिंग जो है यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके, यहाँ से लॉक हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्पेसिंग का आप चेंज कर सकते हैं, इसको 1 फीट के बजाय 9 इंची अगर कर दें तो ये रेलिंग बॉटम की ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर हम 1 फीट कर दें तो ये ऊपर तक चली जाएगी, 2 फीट कर दें तो और ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम रेल इसमें बना सकते हैं। इंड ऑफसेट और स्टार्ट ऑफसेट भी हम दे सकते हैं, यहाँ से लॉक हटा के स्टार्ट ऑफसेट 1 फीट 6 इंची से है तो इसको हम कम भी कर सकते हैं, 9 इंची कर सकते हैं। ठीक है, 9 इंची से इसने स्टार्ट किया, और इंड भी, इंड को हम 9 इंची के बजाय अगर हम 1 फीट कर दें तो ये भी 1 फीट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लिक हो नहीं रहा है, लॉक है लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम एज भी इसका चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कॉन्टेक्स्ट एज सेंटर, तो यहाँ से ये सब चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अब चलिए हम बनाते हैं फ्लावर। फ्लावर बनाने के लिए इसको पहले हम कर लेते हैं डिलीट, इस सब को डिलीट करने के बाद फिर हम शेप्स के ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पे दिया है फ्लाइज, यहाँ पे आप कई तरह के पेड़ हैं उनको लगा सकते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं ये डिजाइनिंग में काम आता है, यहाँ पे हमने इस पेड़ को लगा दिया। ठीक है, ये बहुत बड़ा है, देखने में लग रहा है कि काफ़ी बड़ा है, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अपने डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं। इसके भी पैरामीटर आप चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आपको फ्लाइज के ऑप्शन में जाना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से पैरामीटर आएगा, उस पैरामीटर में आप चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये जो 15 फीट दिया है इसको आप 5 फीट में चेंज कर दीजिए। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही से इसमें आप बदलाव कर सकते हैं। ठीक,
छोटा हो गया, 10 फीट करिएगा बड़ा हो जाएगा। इसकी डेंसिटी कम करना है तो आप कम कर लें, ठीक है। तो यही सब है, यहाँ से 0.1 कर लीजिए, पर्लिंग नहीं है इसमें। यहाँ से अगर बड़ा करें डेंसिटी को, एक से ज़्यादा नहीं होता है, तो यही है। हाइट यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, बहुत बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ से डेंसिटी को थोड़ा कम करके देखते हैं कुछ बदलाव हो रहा है कि नहीं। तो इसके डेंसिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ से लीव्स हटा दिए हमने, लगा दिया, ठीक है। फ्रूट तो है नहीं इसमें, ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस हटा दिया, लगा दिया। रूट्स है नहीं तो वो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम पेड़ भी इसमें बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और नया सीखेंगे।